सुंदर तेरा मंदिर शांति का है द्वार, तेरे जो आता वह आता शांति अपार, मेरा जी हर तुम्हें पावन, हर मन दिल से हम करे तेरा पूजन, अथ श्री हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संबन्नय ईश कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से।
तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे आवश्यक दैनिक भोजन आज के हम होए जैसे हम करते शांति हमारे साथ अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे। तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। साथ रहे हे प्रभु हमारे ईश्वर,
जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योगी बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी सुधि और महिमा गाएं। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा, आमीन। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है, हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी सुधि हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वदा, आमीन। स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गा। ईश्वर तुम पवित्र हो, शक्तिमान तुम पवित्र हो, ईश्वर तुम पवित्र हो, शक्तिमान तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी बिंदी स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर, हम पर कृपा कर, ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इसा का ग्रंथ से आज का पहला वचन अध्याय 1 पद संख्या 10 से 20 तक। गुरुवार आपका आशीष। ईश्वर आपको आशीष दे। सोदोम की शासकों, प्रभु की वाणी सुनो, गोमारा की प्रचा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। प्रभु ये कहता है, तुम्हारे अशुद्ध बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेड़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं साड़ों मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह मांगता है, तुम मेरे प्रांगण में क्यों रहते हो।
मेरे पास व्रत का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लेबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं में अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असह्य भार बन गए हैं। जब तू अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असह्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रंग से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पतलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु ये कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह क्यों लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्ज्वल हो जाएंगे। वे हिरमीच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के खाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा वचन अध्याय 9 पद संज्ञा 19 से 27 धर्मादेश। मसीह आपको आशीष दे। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने आप अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन है उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना। यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन है उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना। यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूँ। मैं सबों के लिए सब कुछ बना गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूँ। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों के भागी बन जाऊँ।
क्या आप लोग एक नहीं जानते कि रंगभूमि में तो किस सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप लोग इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रहते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रहकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही टुकरा दिया जाऊँ। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ध्यान पूरा पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह के जय। अध्याय 6 पवित्र भजन 27 से लेकर। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बाहर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम्हारा इसमें पुण्य क्या है। पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बन अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में अति प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज प्रेरित काल के 14 सप्ताह में हम प्रवेश करते हैं अपने पूजन विधि में। 3 पाठों को हम पढ़कर सुने। इसायास नबी के पुस्तक से, कुरिन्थियों के प्रति संत पौल का पत्र और सुसमाचार, संत लूकस द्वारा घोषित सुसमाचार से हम लोग पढ़कर सुने। इन तीनों पाठ
हमसे दो विशेष मतलबों पर प्रकाश देते, हम उस पर मनन करें। पहला है हमारा क्रिस्तीय जीवन, हमारा क्रिस्तीय आचरण जीवन शैली निरंतर परिवर्तन का या नवीनीकरण का प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। हम अपने जीवन का निरंतर नवीनीकरण करना है। पाप का अपबोध होने से पश्चाताप करके उस पाप से मुक्ति पाकर नया जीवन में आना है। और जैसे ईश वचन पढ़ते हैं उसी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को हम बदलते बदलते जाना है भलाई की ओर, अच्छाई की ओर। और जैसे परम प्रसाद की स्वीकार करते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, उसी से प्रेरणा लेकर निरंतर अपने जीवन को परिवर्तन में लाकर अच्छाई की ओर। पिता जैसे दयालु हैं वैसे दयालु, पिता जैसे प्रेमी हैं वैसी प्रेमी, उसी पिता की पूर्णता की ओर हमें निरंतर अग्रसर होकर आगे बढ़ना है। और दूसरा परामर्श, दूसरा सत्य यही है, हमारा क्रिस्तीय जीवन कहीं पर ढूंढ कर निकालने वाला एक परमार्थ नहीं है, बल्कि हम अपने में बनाने वाला, हम खुद निर्माण करने वाला एक जीवन शैली है हमारा क्रिस्तीय जीवन शैली। वो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इस जीवन की निर्माण उस ईश्वर के सत्यों पर, सुसमाचार के मूल्यों पर आधारित, प्रभु हमें देने वाले आज्ञाओं पर आधारित और प्रभु के जीवन पर आधारित जीवन का निर्माण होना है। पहले से जुड़े हुए परामर्श हैं, दूसरा भी। आज के पहला पाठ आइसियास नबी के पुस्तक से हम लोग पढ़कर सुना, मैं तुम्हारे बलिदानों से घृणा करता हूँ, क्योंकि उस बलिदान उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते। वो खुद अपने को पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रयास नहीं करते हुए जो भी बलिदान चढ़ाए, मैं बलिदान नहीं आज्ञाकारिता चाहता हूँ, प्रभु बताते हैं। मैं तुम्हारे बलिदानों से घृणा करते हैं, मुख फेर लेता हूँ। जब तुम अपने दिल बदल कर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, प्रभु के इच्छा के अनुरूप बनने के लिए प्रयास करते हुए जो बलिदान चढ़ाते हैं, पश्चातापी दिल से जब प्रभु के समक्ष आते हैं, दिल बदलने की प्रयास करते हैं, उस बलिदान में मैं समृद्ध हो जाते हैं। संत फ्रांसिस सालस के उस वचन को हम याद करें। संत ने जब कभी मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करने से पहले यही प्रार्थना करते थे, प्रभु पवित्र वेदी पर मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि रोटी खाकर तृप्त हो जाए, बल्कि आपको ही पाए, आपके जीवन मेरे जीवन का मतलब बन जाए, आपका जीवन को मैं अपनाए और अपने जीवन को बदलते हुए पवित्र पवित्रता में आगे बढ़ पाए। हम यही होना चाहिए हमारा भी बलिदान का मतलब। सुसमाचार हमें बताते हैं किस प्रकार हम दूसरे लोगों से व्यवहार चाहते हैं, वही व्यवहार हम खुद करने के लिए तैयार हो जाए। शायद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार की चाहत रखते होंगे, तो उस चाहत के अनुसार ईसा मसीह के नियम, दस आज्ञाएँ और संतमती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं अष्टभाग्यों, उस उपदेशों के अनुरूप अपना जीवन बनाते हुए पवित्रता की ओर अग्रसर होने के लिए सुसमाचार हमें आह्वान देते हैं। क्षमा करने के लिए, शत्रुओं को प्यार करने के लिए, आंग के बदले आंग, दांत के बदले दांत के नियम को तोड़कर अपने अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करने का, उनको आशीष देने की मनोभावना बनाने के लिए प्रभु हमसे अनुरोध करते हैं। हम अपने जीवन शैली का निर्माण हम खुद करते हैं। क्रिस्तीय जीवन शैली प्रभु के नियम के आधार में बनाने का दायित्व हमारी अपनी है। आज के कुरिंदियों के प्रति पत्र में हम लोग आखिरी वचन में पढ़कर सुना,
संत पॉल बताते हैं, मैं अपने शरीर को दंड देता हूँ, मैं अपने शरीर को अपने पक्ष में रखता हूँ, अपने वश में रखता हूँ, ताकि दूसरों को प्रभाषण देने के बाद मैं खुद पाप में ना गिर जाए, मैं खुद टुकरा ना जाए। हाँ, हमें उस आत्मत्याग की, आत्मसमर्पण की जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। हम प्रभु की सुसमाचार के मूल्यों को दिनों दिन अपने जीवन में अपनाने की प्रयास में अपना जीवन हम बदलते बदलते जाए, प्रेम की, करुणा की, दया की, सहिष्णुता की, मेल मिलाप की, उस सुंदर जीवन हमारी अपनी बनने के लिए प्रभु हमें आशीष देते हैं। उस प्रभु को हम अपने दिल में स्वीकार करें। आज मिसा बलिदान में भाग लेते हुए, प्रभु के परम प्रसाद को स्वीकार करते हुए हम उस जीवन शैली में आगे बढ़ने की कृपा मांगे। प्रभु हमें आशीष दे। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे सांत्वन दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संभुज परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे पूज्य श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार जोसेफ के लिए तथा उनके सौ सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हम सब अपने आप को और हरेक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह संभर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपनी दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी, अपनी चुनी हुई भेड़ों की पापों की क्षमा प्रदान कर। हम सबके मन कामनाओं को प्रभु हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए। हमें आशीष दे सबके प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वदा। आमीन। धर्माधीश आपका आशीर्वाद। प्यारे भाई और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वत्रिक और प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उसे बचा। अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। तेरी दिव्य कृपा हम पर और चुनी हुई भक्तों पर सदा बनी रहे। हे कृपालु प्रभु हमें एक वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कारियों से तुझे प्रसन्न करें, तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही सुदीकृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वदा। आमीन। तेरे द्वार
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर इस्मादा कुवारी मरियम और धर्मी संत यूसुफ का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरितों, इकलौते के बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सभी लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो। साथ साथ विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले, उपवास प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम उसके पिता आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का एकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहला उठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं, वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसन्न होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेतिका सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना सुदिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्राधी श्रेष्ठ महाधर्माधीशों तथा धर्माधीक्षों, याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। जय प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रजुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्व हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना सुधि हृदय यदा और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चतावी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं।
धर्माध्यक्ष प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रितु का आराध्य नाम सबके सुधी के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रजा नश्वर मानवों परवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाए तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र गरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। परमेश्वर पवन सृष्टि के जगदीश, पवन पवन प्रभु परमेश्वर पवन सृष्टि के जगदीश, पवन 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 प्रभु तेरा नाम, पवन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है, तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है, तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमृता से संपन्न आत्मा के साथ निश्चय शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से
जन्मा और नियम के अधीन रखने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रखा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह समा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें मुड़ाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया, हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संभोज फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के मुखिया और पिता महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज के लिए, अन्य महाधर्माध्यक्षों और धर्माध्यक्षों के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों समर्पितों लोकधर्मी प्रेरितों और शासकों और अधिकारियों के लिए बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र विधवाओं के लिए प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम प्रगम से विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, विशेष पर कोविड बीमारी से परेशान भाई बहनों के लिए, देश की सुरक्षा में लगे सिपाहियों के लिए, यात्रा करने वालों के लिए, परीक्षा लिखने वालों के लिए, कोविड बीमारी से परेशान लोगों की सुरक्षा के लिए, सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी और देखरेख करने वाले पुलिस कर्मचारी उन सबों के लिए, मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश्मादा कुवारी मरियम का, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भुआ से एक जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है। तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीक्षों, याजकों
हमारे याजक होंगी तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन दवर जीवन दायी चिन्ह से अंगित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक ऋषिया की सब संतान होंगी। शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिधि में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। ओ तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और से अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराध होंगी माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम की वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर हमारे पृथ्वी से कोविड बीमारी को मिटा दे ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी सुधि नहीं हे प्रभु, हमारी नहीं तेरे ही नाम की सुधि हो। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमा में पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। हे प्रभु, ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। प्रभु और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तदा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुँह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें।
और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा करें। हम अपने अंतकरण को मन मुटाव और कलंक से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा करें। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और वैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा करें। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा करें। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा करें। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके। तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, तेरी कृपा के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है, प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को और आपको भी। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दादा सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। Thank you.
आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के वन्य देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा सुधी करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, अपने महिमामयी श्रुत का सदा ही सुदिगान करने योग्य बना दिया है। सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्ति दादा और जीवन दादा है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बना दिया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमेन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय अनश्वर भाग्य ये शाश्वत जीवन में रहूंगा।
थे वरदान संभाले प्रभु मंडली को करुणाए भक्तों की रक्षा करे प्रभु ईश्वर सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर जीवनदायी हर पावन रहस्य हमने ग्रहण किए सलीब चिन्ह से अंगीर हो विभतियों से मोजिद हो प्रभुवर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्वसदा क्षमा की वेदी प्रणाम हमारे प्रभु के कपट प्रणाम मैंने तुझसे जो प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए मैं ये नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं